सब तो पहला सारे प्यार करी सत श्री अकाल। माई सैल्फ गुरबचन सिंह, मैथ मास्टर फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमवाला, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। प्यारे बच्चों, अज असी जमात 8वीं विशा गणित अभ्यास 8.3 दी दोहराई करांगे। साडा सब तो पहला टॉपिक है मिश्रित व्यास। प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरस्ट या साधारण व्यास के बारे ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਂਕ 10% ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 10% ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ 10%, ਅਰਥਾਤ 10% ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10/100 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 0 2 0 ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 100। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1000 + 100 ਰੁਪਿਆ ਵਿਆਜ, 1000 + 100 ਰੁਪਿਆ 1100 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ 1000 ਰੁਪਿਆ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 10% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1000 ਦਾ 10%, अर्थात 1000 × 10/100, 2 0 कट देंगे हाँ, 10 नू 10 ना गुणा करने ते 100। इस तरह पहले साल का व्याज 100 रुपए होया। हुण पहले साल के अंत विच जो राशि होगी 1000 मूलधन प्लस व्याज 100 रुपया, इस तरह राशि 1100 रुपए होगी। हुण असी दूसरे साल का व्याज कैलकुलेट करते हाँ, अर्थात 1000 दा 10% लिखते हाँ। 1000 × 10/100, हुण 2 0 2 0 ना कट जांदियां हन, 10 नू 10 ना गुणा करन ते 100। इस तरह दूसरे साल के अंत विच जो राशि होगी वो 1100 + 100 रुपया व्याज, इस तरह 1200 होगी। हुण असीं कंपाउंड इंटरस्ट दे बारे पढ़ते हाँ। 1 साल दे लई जो व्याज है वह देखते हाँ। 1000 दा 10% के हिसाब नाल 2 0 2 0 ना कट जांदियां हन, इस तरह 10 नू 10 ना गुणा करन ते 100। हुण 1 साल के अंत विच जो राशि होगी 1000 + 100 रुपया व्याज बराबर 1000 + 100, 1100। प्यारे बच्चों, हुण एक गल ध्यान रखने योग है कि ये जो 1100 रुपया राशि आई है ये अगले साल का मूलधन होगा। सिंपल इंटरस्ट और कंपाउंड इंटरस्ट के विच ये फर्क है कि जो पहले साल की राशि है वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाएगी। इस तरह असी दूसरे साल ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1100 ਦਾ 10%, 2 0 2 0 ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1100 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 110। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ
जो राशि होगी 1100 प्लस 110 बराबर 1210 रुपए। इस तरह दूसरे साल के अंत विच जो कुल राशि होगी वो 1210 रुपए होगी। प्यारे बच्चों हुण जे असी कंपाउंड इंटरस्ट 10 साल दे लई कैलकुलेट करना होवे अते असी इस तरह एक एक साल दा कैलकुलेट करिए तां सानू बहुत समा लग जाएगा। इस तरह की वड्डी कैलकुलेशन नूं करन दे लई एक फॉर्मूला हुंदा है जिसनूं असी मिश्रित व्याज जां कंपाउंड इंटरस्ट पता करन दा फॉर्मूला कहिंदे हां। ते आओ लिखदे हां बराबर पी गुणा एक प्लस आर बटा 100 कात एन। प्यारे बच्चों पी जो कि मूलधन है, आर जो कि दर है, एन जो कि समा है। इस तरह असी इस फॉर्मूले की हेल्प दे नाल कंपाउंड इंटरस्ट जां मिश्रित व्याज पता कर सकते हां। उम्मीद करदा हां कि तुहानू साधारण व्याज अते मिश्रित व्याज दे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। प्यारे बच्चो आओ साधारण व्याज दे नाल संबंधित असी उदाहरण नंबर 10 हल करदे हां। 10,000 रुपए की राशि 15% सालाना व्याज दर ते 2 साल लई उधार लई जांदी है। इस राशि ते साधारण व्याज अते 2 साल दे अंत विच भुगतान कीती जाण वाली राशि पता करो। प्यारे बच्चो सानू मूल धन जो कि 10,000 रुपए दिता गया है अते दर जो कि 15% दिती गई है अते समा 2 साल लई दिता गया है। असी 2 साल दे अंत विच भुगतान करने योग राशि पता करनी है ता आओ पता करदे हां। 10,000 रुपए ते 1 साल दा व्याज असी जानते हां 10,000 दा 15% सानू प्रश्न अनुसार दिता गया है बराबर 10,000 दा दी जगह ते असी गुणा दा निशान वरतदे हां अते 15% लई 15/100 लिख लेंदे हां। हुण 20 नाल 20 कट देंदे हां अते 15 नूं 100 नाल गुणा करन ते सानू 1500 प्राप्त हुंदा है। अर्थात 1 साल दे लई जो व्याज होवेगा ओ 1500 रुपए होवेगा। हुण असी 2 साल दे लई व्याज पता करना है क्योंकि सानू पता है कि असी साधारण व्याज पता करना है, इसलिए असी 1500 नूं 2 नाल गुणा कर देंदे हां। इस तरह साडे कोल 2 साल दा व्याज 1500 नूं 2 नाल गुणा करन ते 3000 आ जांदा है। हुण असी 2 साल दे अंत विच भुगतान कीती जाण वाली राशि पता करनी है। प्यारे बच्चो साडा मूल धन 10,000 रुपए सी अते व्याज 3,000 रुपए 2 साल लई है। इस तरह 10,000 विच 3,000 जोड़न ते 13,000 अर्थात 2 साल दे अंत विच भुगतान करन योग राशि 13,000 रुपए होवेगी। प्यारे बच्चो इसे ही उदाहरण नूं असी एक होर मैथड राही हल कर सकते हां। असी 2 साल दे लई इकट्ठा साधारण व्याज पता करन दे लई साधारण व्याज दा सूत्र जो कि मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100 है इसका उपयोग करांगे। सानू मूलधन 10,000 रुपए दिता है, दर 15% अते समा 2 साल दिता है। मूलधन 10,000 रुपया गुणा दर जो कि 15% अते समा जो कि 2 साल है बटा 100। हुण असी 20 नाल कट दिंदे हां। इस तरह 100 नूं 15 नाल गुणा करन ते 1500 गुणा 2 अते हुण 1500 नूं 2 नाल गुणा करन ते 3000 प्राप्त होया। अर्थात 2 साल दा व्याज सानू इकट्ठा 3000 इस सूत्र राही प्राप्त हो गया। हुण असी 2 साल दे अंत विच भुगतान कीती जाण वाली राशि पता करनी है। इस तरह असी लिखदे हां राशि जो कि असी मूलधन 10,000 रुपए विच व्याज 3000 जोड़ के प्राप्त करदे हां अते 10,000 विच 3000 जोड़न ते 13,000 इस तरह 2 साल दे अंत विच भुगतान कीती जाण वाली राशि होवेगी।
प्यारे बच्चों आओ उदाहरण नंबर 12 करते हां। जेकर ब्याह छमाही हुंदा है तां एक से एक बटा दो अर्थात डेढ़ साल दे लई 10% सालाना दर ते उधार लए गए 12,000 रुपए दे कर्ज दा भुगतान करन लई किन्नी राशि देनी पवेगी। प्यारे बच्चो सानू प्रश्न दे विच दिता गया है कि ब्याज छमाही हुंदा है अर्थात हरेक 6 महीने दे बाद ब्याज जुड़दा है अते समा सानू 1/2 अर्थात 1.5 साल का समा दिता हुआ है जो कि दर सानू 10% सालाना दिती हुई है। हुण असी कुल राशि पता करनी है अते कुल राशि पता करन दे लई असी लिखदे हां मूलधन जो कि प्रिंसिपल हुंदा है जिसनू असी पी नाल लिखदे हां बराबर सानू 12,000 रुपए दिता हुआ है। इसे तरह समा जिसनू असी एन दे नाल लिखदे हां अते समा सानू 1/2 साल दिता हुआ है। प्यारे बच्चो क्योंकि ब्याज छमाही जुड़दा है इसलिए असी जो सानू समा दिता गया है यह सालां विच है इसनू असी छमाहियां विच बदल लवांगे अते असी जानते हां कि 1.5 साल दे विच 3 छमाहियां हुंदियां हन। 1.5 साल विच 3 छमाहियां हुंदियां हन इस तरह असी लिखते हां 3 छमाहियां अते दर जिसनू असी आर दे नाल लिखते हां अते दर सानू 10% सालाना दिती हुई है अते प्यारे बच्चो दर नू ही असी छमाहियां विच बदलांगे अते असी जानते हां 1 साल दे विच 2 छमाहियां हुंदियां हन इसलिए असी 10 नू 2 नाल भाग कर देंदे हां इस तरह 5% छमाही सानू दर प्राप्त हुंदी है। हुण असी कुल राशि पता करन दे लई जानते हां कुल राशि जिसका सूत्र असी जानते हां बराबर पी गुणा 1+R/100 प्यारे बच्चो पी का मुल सानू 12,000 रुपए दिता हुआ है 1+R का मुल 5% अर्थात 5/100 अते एन का मुल जो कि सानू 3 छमाहियां दिता हुआ है इस तरह 12,000 गुणा 1+5 दे पहाड़े ते असी 100 नू कट दिंदे हां अते सानू 20 प्राप्त हुंदा है। हुण असी लिखदे हां 1/20 / 3 इस तरह कुल राशि बराबर 12,000 गुणा 1+1/20 / 3 बराबर 12,000 गुणा हुण असी 1/20 अते 1 दा एलसीएम 20 ले लैंदे हां असी जानते हां 1/1 है अते 1 दे पहाड़े ते 20 नूं पा करन ते 20 अते 20 नूं 1 नाल गुणा करन ते 20 प्राप्त हुंदा है। हुण 20 नूं 20 नाल पा करन ते 1 अते 1 नूं 1 नाल गुणा करन ते 1/3 12,000 गुणा 20 विच 1 जोड़न ते 21/20 / 3 प्यारे बच्चो असी लिखदे हां 12,000 अते 21/20 नूं असी 3 वार गुणा करांगे 21/20 गुणा 21/20 क्योंकि सानू घात 3 दित्ती हुई है। हुण असी 1 0 दे नाल 1 0 कट दिंदे हां इस 0 नाल इस 0 नूं कट दिंदे हां अते इस 0 नूं इस 0 नाल कट दिंदे हां। प्यारे बच्चो 2 दे पहाड़े ते 12 नूं कट्टण ते 6 अते 2 दे पहाड़े ते 6 नूं कट्टण ते 3 इस तरह साडे कोल 3 × 21 × 21 × 21/2 बच जांदा है। हुण असी 3 नूं 21 नाल गुणा करदे हां अते जो उत्तर आवेगा उस नूं 21 नाल फिर गुणा करांगे अते फिर जो उत्तर आएगा उस नूं 21 नाल गुणा करांगे इस तरह सानू 27,783 प्राप्त हुंदा है बटा 2। हुण 2 दे पहाड़े ते 27,783 नूं पार करन ते
13,891.5 प्राप्त होता है। कुल राशि 13,891.50 प्राप्त हुई। प्यारे बच्चों आओ उदाहरण नंबर 13 हल करिए। 10,000 रुपए की राशि का 1 साल 3 महीने के लिए 8.2% सालाना दर नाल निवेश करन ते मिश्रित व्याज पता करो जदों की व्याज सालाना लगदा होवे। प्यारे बच्चो सानू प्रश्न दे विच दिता गया है कि 10,000 रुपए की राशि 1 साल 3 महीने के लिए 8.2% सालाना दर दे नाल निवेश की जाती है अते असी उस राशि का मिश्रित व्याज पता करना है। प्यारे बच्चो मिश्रित व्याज पता करन दे लई सब तो पहला असी 10,000 रुपए की राशि का 1 साल दे लई 8.2% सालाना दर दे नाल साधारण व्याज पता करांगे अते उस व्याज नूं असी मूल धन दे विच जोड़ के अगले 3 महीने दे लई फिर व्याज पता करांगे। तां आओ करदे हां, सानूं मूल धन 10,000 रुपए दिता होया है अते समा जो कि 1 साल 3 महीने है। प्यारे बच्चो असी सब तो पहला असी 3 महीने दे समय नू साल विच तब्दील करांगे क्योंकि व्याज सालाना लगदा है, इसलिए असी 3 महीने दे समय नू 3/12 लिख लेंदे हां क्योंकि 1 साल दे विच 12 महीने हुंदे हन, इसलिए असी 12 नाल पार कर देंदे हां, इसलिए 3 महीने का समा साल विच बदल जाता है। हुण असी 3 दे पहाड़े ते 12 नूं कट दिंदे हां, इस तरह साडे कोल 1/4 साल बन जाता है। हुण साडे कोल कुल समा 1 साल जो पहला सी अते 1/4 साल हुण प्राप्त होया, इस तरह कुल समा साडे कोल 1.4 साल प्राप्त होया अते सानू सालाना दर जो कि सानू 8.2% सालाना दिती हुई है अते असी इस नूं थोड़ा हल कर लेंदे हां। 2 नूं 8 नाल गुणा करन ते 16 अते 16 दे विच 1 जोड़न ते 17/2, इस तरह दर सानू 17.2% प्राप्त हुई। हुण असी पहले साल दे लई व्याज पता करदे हां अते व्याज पता करन दे लई असी जानदे हां मूल धन जो कि सानू 10,000 दिता होया है गुणा दर जो कि 17/2 है अते गुणा समा जो कि 1 साल है 100। 2020 नाल कट देंदे हां, इस तरह साडे कोल 100 × 17/2 प्राप्त हुंदा है। 2 दे पहाड़े ते 100 नूं कट्टन ते 50 अते 50 नूं 17 नाल गुणा करन ते सानू 850 रुपए प्राप्त हुंदे हन, अर्थात पहले साल दे लई व्याज 850 रुपए प्राप्त होया। हुण पहले साल दे अंत विच कुल राशि पता करदे हां जो कि मूल धन 10,000 रुपए दे विच व्याज 850 रुपए जोड़न ते प्राप्त होवेगी, इस तरह सानू प्राप्त होया 10,850। प्यारे बच्चो ए जो राशि सानू 10,850 रुपए प्राप्त हुई है ए अगले 1/4 साल दे लई मूल धन दा कम करेगी। ता आओ असी अगले 1/4 साल लई व्याज पता करिए। बराबर मूल धन 10,850 गुणा दर 17/2 जो कि सानू दिता होया है अते समा 1/4/100। प्यारे बच्चो 1 0 नाल 1 0 कट देंदे हां, 1085 × 17/10 × 2 नूं असी थले लिख लेंदे हां गुणा 4। हुण असी 1085 नूं 17 नाल गुणा करदे हां अते गुणा करन ते सानू प्राप्त हुंदा है 18,445
बटा 10 नूं 2 नाल गुणा करन ते 20 अते 20 नूं 4 नाल गुणा करन ते 80। हुण 18,445 नूं 80 नाल भाग करन ते सानूं 230 रुपए 56 पैसे प्राप्त हुंदे हन, अर्थात 1/4 साल लई व्याज सानूं 230 रुपए 56 पैसे प्राप्त होया। हुण मिश्रित व्याज जो कि असी पहले साल का व्याज 850 रुपए विच 1/4 साल लई व्याज 230 रुपए 56 पैसे जोड़ के प्राप्त करते हाँ। इस तरह असी 850 विच 230 रुपए 56 पैसे जोड़ते हाँ, 1,080 रुपए 56 पैसे सानू मिश्रित व्याज प्राप्त होया। आओ उदाहरण नंबर 14 हल करिए। साल 1997 विच किसी शहर की जनसंख्या 20,000 सी, इस विच 5% सालाना दर नाल वाधा होया। साल 2000 के अंत विच शहर की जनसंख्या पता करो। प्यारे बच्चों, सानू प्रश्न दे विच दित्ता गया है कि साल 1997 विच किसी शहर की जनसंख्या 20,000 सी अते इस विच 5% सालाना दर दे नाल वाधा होया। असी साल 2000 तक कुल जनसंख्या पता करनी है, तो आओ करते हाँ। सानू प्रश्न दे विच दिता गया है कि साल 1997 विच किसे शहर की जनसंख्या 20,000 सी। प्यारे बच्चों, जे साल 1997 दे अंत तक ये जनसंख्या 20,000 सी, तो साल 1998 दे शुरुआत विच भी ये जनसंख्या 20,000 होवेगी। इसलिए असी इस जनसंख्या नू मूल धन मान लेते हाँ। इसलिए साडा मूल धन 20,000 होया। हुण सानू समा जो कि साल 1998 दी शुरुआत तो 2000 दे अंत तक दिता होया है, इसलिए असी समा लिख लेंदे हाँ 3 साल, अते दर सानू 5% सालाना दिती हुई है, इसलिए लिखते हाँ 5% सालाना। हुण असी साल 2000 दे अंत विच कुल जनसंख्या पता करने लिए लिखते हाँ साल 2000 दे अंत तक कुल जनसंख्या। इसलिए असी लिखते हाँ P गुणा 1+R/100 cot n। प्यारे बच्चों, असी पी अर्थात प्रिंसिपल जां मूल धन जो कि सानू 20,000 दिता है लिख लेंदे हाँ। 1+R जो कि सानू दर 5% दिती हुई है लिख लेंदे हाँ, अते एन जो कि सानू समा 3 साल दिता है ये भर देंदे हाँ। इस तरह 20,000। हुण 5 दे पहाड़े ते 100 नू कट्टन ते 20, इस तरह सानू प्राप्त होया 1+1/20 cot 3। हुण असी लिखते हाँ 20,000। असी 1 अते 1/20 का जोड़ करते हाँ, इसलिए असी एलसीएम 20 लिख लेते हाँ। असी जानते हाँ कि 1/1 है, इसलिए 1 दे पहाड़े ते 20 नू पाक करन ते 20 अते 20 नू 1 नाल गुणा करन ते सानू 20 प्राप्त हुंदा है। इसे तरह 20 नू 20 नाल पाक करन ते 1 अते 1 नू 1 नाल गुणा करन ते सानू 1 प्राप्त हुंदा है cot 3। हुण असी 20,000 गुणा 21/20 दी cot 3 लिख लेंदे हाँ। हुण असी 20,000 गुणा 21/20 दी कात 3 होने करके 21/20 नू 3 वार गुणा विच लिख लेंदे हाँ, अते असी 0 नाल 0 कट देंदे हाँ, इस 0 नाल इस 0 नू कट देंदे हाँ, इस 0 नाल इस 0 नू कट देंदे हाँ, अते 2 दे पहाड़े ते 20 नू कट्टन ते 10, अते फिर 2 दे पहाड़े ते 10 नू कट्टन ते 5। इस तरह 5 × 21 × 21 × 21/2 प्राप्त होया। हुण 5 नूं 21 नाल अते जो उत्तर आवेगा उस नूं 21 नाल अते फिर जो उत्तर आएगा उस नूं 21 नाल गुणा करन ते 46,000
305 प्राप्त होया बटा 2। हुण 46,305 2 नाल भाग करन ते सानू 23,152.5। हुण असी इस संख्या नू राउंड ऑफ कर दिंदे हां, इसलिए साडे कोल 23,153 आ जांदा है, अर्थात साल 2000 दे अंत तक जो कुल जनसंख्या 23,153 होवेगी। प्यारे बच्चो, आओ उदाहरण नंबर 15 करदे हां। एक टीवी 21,000 रुपए विच खरीदा गया, एक साल बाद टीवी दा मुल 5% घट हो गया, एक साल बाद टीवी दा मुल पता करो। प्यारे बच्चो, सानू प्रश्न दे विच दिता गया है कि एक टीवी 21,000 रुपए विच खरीदा गया अते एक साल बाद उसका मुल 5% घट हो गया। हुण असी एक साल बाद टीवी दा मुल पता करना है, अर्थात एक साल बाद टीवी दी किन्नी कीमत रह गई। ता आओ करदे हां, सानू जो मूलधन दिता होया है वह 21,000 रुपए है, क्योंकि 21,000 रुपए विच टीवी खरीदा गया सी अते मूल दे विच कमी जो कि 21,000 रुपए दा 5% है। हुण असी लिखदे हां 21,000 अते दा दी जगह ते असी गुणा दा निशान वरतदे हां, 5% नूं असी 5/100 लिख लैंदे हां। हुण 2020 नाल कट दिंदे हां, इस तरह 210 × 5 अते 210 नूं 5 नाल गुणा करन ते 1,050 रुपए प्राप्त होया, अर्थात मुल विच 1,050 रुपए की कमी आई। हुण एक साल बाद टीवी दा मुल, क्योंकि टीवी दा मुल घट गया है, इसलिए असी मूल तन 21,000 दे विच्चों 1,050 कटा देवांगे अते 21,000 विच्चों 1,050 कटाउण ते 19,950 रुपए। इस तरह टीवी दा एक साल बाद मुल 19,950 रुपए होवेगा। प्यारे बच्चो, जो टॉपिक्स असी अज कीते उन्हां ते आधारित कुछ क्वेश्चंस हन। क्वेश्चन नंबर 1, 10,000 रुपए दा 10% सालाना दर नाल 2 साल दा साधारण व्याज पता करो। क्वेश्चन नंबर 2, 20,000 रुपए दा 10% दर ते सालाना जोड़न ते 2 सालां दा मिश्र धन कुल राशि पता करो। क्वेश्चन नंबर 3, 8,000 रुपए दा 2 साल लई 5% सालाना दर नाल मिश्र व्याज पता करो। क्वेश्चन नंबर 4, 10,500 रुपए दे 1 मुल दी 1 मशीन दा 5% दी दर नाल मुल कटदा है, 1 साल बाद इसका मुल पता करो। प्यारे बच्चो, ए क्वेश्चन तुसी अपनियां कापियां ते करने हन अते अपने अध्यापक साहिबान तो चेक करवा लेने हन। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद।